शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेंगलुरु 700 आवर्स रुस्तम जी बिल्डिंग 42nd फ्लोर। इट्स अ फॉगी डे। टारगेट यहीं कहीं पर है। तय काफी पौधे लगे, शायद गार्डनिंग का शौक है। दैट्स गुड। एक दो तीन चार लोग हैं। एक डमी दूसरे डमी को कहीं ले जा रहा है। किंकी फेला और एक इडियट हॉल में आटा गूंद रहा है। एक वो है जो दूसरे के धंधे में अपना नाक डालते हैं, एक हम हैं जो दूसरे के नाक में अपना धंधा डालते हैं। बेतू जो भी करवा लो, हमें कुछ नहीं करवाना। डिटेक्टिव जो भी करवा लो, पिछले 2 महीनों से मैंने तुम लोगों के ऊपर चील की नजर रखी है। हा? आज फाइनली तुम रंगे हाथों पकड़े गए। टेक्निकली व्हाइट कलर भी एक रंग होता है, इसीलिए रंगे हाथों। माफ कर दो। पहले हिसाब बराबर करो। एक केबल टीवी के बिल पे दो दो टीवी चलाते हो? हाँ? तो तुम्हें पुलिस लेने भेजा। मुझे पुलिस क्यों भेजेगी? मुझे तुम्हारे केबल वाले ने भेजा है, और कल तक बिल भर देना, समझे? ये कोई रहने का तरीका है? हॉल में कोई आटा गूंथता है? और झाड़ गार्डन में लगाओ। Idiots. मैं जनरल कोपा बालेराव कबाना, मैं अब सभी लोगों का रुडुम्बा में स्वागत करता हूं। वेलकम, राम राम मंडली। आज तक प्यार के नाम पर दो सबसे बड़ी जंगें हुई है, सन 1300 में सिंध में, और दूसरी जंग अकबर बादशाह और उनके बेटे दिलीप कुमार के बीच सन 1960 में। लेकिन अब सबसे खतरनाक जंग तीसरी जंग होगी, वो मेरी कोपा बालेराव कबाना की, और उसकी भी वजह है लव, माय लव, मेंटल डिस्टर्बेंस, माय लव गहना। गहना नायडू बेंगलुरु के सबसे बड़े लीकर बैरन नायडू की इकलौती बेटी, जिसे मैं मिला गोवा के बोगमालो बीच पे, जहां पहली ही नजर में हमें लव हो गया, पहला प्यार। और फिर वो पहला लव लेटर एक सीक्रेट एडमायरर से, जो असली में मैं था। मेरी लाइन पे उसने मारी लाइन और मुझे दी अपनी प्राइवेट लाइन। फिर हुई ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें, कभी दिन कभी रातें, कभी फोन पे तो कभी फेसबुक पे। टेलीफोन नंबर एक्सचेंज के बाद गिफ्ट एक्सचेंज। लड़की हंसी तो फंसी,
मैं सोचा भेंडी सीधा प्रपोज कर डालते और हम मिले ऑन अ ब्लाइंड डेट। आई एम कोपा भालेराव गबाना फ्रॉम प्रदुम्बा। मैं उसको मिला लेकिन उसके बाद वो मेरे को कभी नहीं मिली। और हमारे आज के पेज मेरे लव को ठुकरा कर पता नहीं कहां गुल हो गई। मैं साला देवदास बन गया क्वार्टर पे क्वार्टर। और फिर चायला मेरे को टीवी पे पता चला कि वो शादी कर रही है मुंबई के सबसे बड़े डायमंड एक्सपोर्टर गरोड़िया के बेटे लोहे से। धोखेबाज डैन। कमिंग टू द पॉइंट, आप में से ही एक को मैंने चुना है और दिस शादी की सुपारी। कांग्रेस जीजा जी। और वो लकी आदमी है टाटो सुठो। और वो लकी आदमी है बंसी काका। बंसी काका, बंसी काका कितनी बार बोला है गलत क्यू पे फ्रेम में एंट्री नहीं करने का। साहब ये 402 की मिसेस बागची ने खीर भेजी है खीर। और वॉचमैन को किसी ने सीढ़ी दे के बोला है अब भी बजाओ। खीर टेबल पे रखो, सीढ़ी प्रोजेक्टर रूम में दो और बोलो अभी बजाओ। अरे कमीनो अल पचीनो, आया कहां से, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, कौन, कौन। मौत, पॉटी और कार्लोस कहीं और कभी भी आ सकते हैं। वाह वाह वाह, बेंडी गवार क्या स्टाइल है, क्या टैलेंट है। मुझे लगता है इसी आदमी को मैं सुपारी दूंगा। होल्ड, ओ दिस इज द चीटिंग यार। जी जी, ओ तेरे इस महल के लिए मैंने 30 LCD टीवी दिए हैं फ्री में। और जो प्रोजेक्टर को तू चला रहा है ना पिक्चर जो ये एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है ये भी मेरे यहाँ से आई है फ्री में। हेलो, और आज जब कॉन्ट्रैक्ट देने की बात आई है तू मैं मतलब इसको दे रहा है मतलब। चिल चिल MK चिल। जी जी जी, देखो वैसे भी मैंने डिसाइड किया है कि इंडिया में तुम इस आदमी की मदद करोगे, बैकअप सपोर्ट। अच्छा, तो हमारी शक्ल जो है जनरेटर से मिलती है जो हमें तू बैकअप में यूज करेगा। ओ नो नो, फ्री का माल हमसे लिया और जब कॉन्ट्रैक्ट देने की बारी आई तो इस घटिया से एडवर्टाइजमेंट की वजह से कॉन्ट्रैक्ट दे रहा उसे वो क्या 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 नाम है कार्लोस। जो भी लेगा मेरा नाम उसका होगा काम तमाम। अरे वो चाहिए तो आया किधर से रे? मौत, पॉटी और कार्लोस कहीं भी आ सकते हैं। साडा हक ए तेरा हक। बड़ा एहसान किया, इतना क्या बिजी रहता है कि आजकल दिखाई नहीं देता। चल अंदर। मामा घर इस तरफ है। आजकल अंदर बाहर का फर्क ही नहीं दिखता जो। कम माय डार्लिंग कम। हाउ इज योर डे बेटा? नाइस टायरिंग बट नाइस। ओह जो, ये टीवी का सेटिंग ठीक करो, इसका पिक्चर क्वालिटी खराब है सुबह से। या कम फाइन। ओह थैंक यू, परफेक्ट। या ओह बट जो, वो टीवी कब चेंज होगा? वो 3D वाला टीवी लाओ ना, फिर कभी ये पिक्चर क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। मामा ये 500 रुपए किसने दिया? फ्रांसिस आंटी दे गई थी। वो कह रही थी पता कि जब से तूने उसके दूध वाले को पानी में दूध मिलाते पकड़ा उसकी फुल कॉलोनी का दूध क्वालिटी सुधर गया है। I'm a good detective, huh? Oh, the best. अच्छा बेटा, yeah. फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लेके आती हूँ, okay? Yes. Oh, sorry, sorry, sorry. Oops, sorry. ये सोफा किसने हिला दिया? पता नहीं कौन करता रहता है ये सब। सोफा हिल जाता है।
Oh God. Oh. Oops. Oh. Oops, Joe. Your tea. Oh, I got it. No. पता नहीं कुर्सी अब क्या मिलने लगती है। Thanks for the tea, Mama. Joe, कब तक मैं तेरे लिए चाय बनाती रहूंगी? कोई अच्छी सी लड़की देखूं तेरे लिए? माँ, जो लड़की आपने पिछली बार देखी थी ना, वो लड़का निकला। मामा, शादी मेरी किस्मत में नहीं है। ना मेरे साथ क्या हुआ? भूल जा पुरानी बातों को जो। अब तू मुझे बता, कैसा लड़की चाहिए? किस टाइप का? टेल मी। वेल, नाउ दैट यू आस्किंग, यू नो, जिसकी एंट्री पे ना सीटियां बजे। चिकने जो चले तो सर उठा के सीना तांग। जिसका हाथ थामने को सब बेचैन हो। मामा, जिसे देख के ना सब फ्लैट हो जाए। You know, सर से पांव तक धांसू दबंग पर्सनैलिटी। Yes! तुम चाहते हो मैं सलमान खान से तुम्हारी बात चलाऊं? पता नहीं चाय कैसी बनाएगा वो। मामा, माँ, मॉम, मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। किधर से लाऊंगी उसको? ढूंढते ढूंढते तो मैं अंधी हो जाऊंगी। दारू की बोतल को एविडेंस रूम में डालो और गुंडों को लॉकअप में। हाँ मैडम। मैडम बहुत स्ट्रिक्ट है। पहले आलू को उबालो, फिर आलू के छिलके निकालो। मुझे कितने दिन आपके ऑफिस में आना पड़ेगा? बेटा, जब तक तुम्हारी मम्मी कुंभ के मेले से नहीं लौटती तब तक। हाँ बेटा, देखो 2 किलो आलू को उबालो फिर। सर, आपने मुझे बुलाया? गुड क्वेश्चन बट बैड न्यूज। मिस शांति प्रिया फडनीस, प्लीज बी सीटेड। हमारा खबरी चमन चिकना, जिसे मैंने ब्राडुम्बा के जनरल कोपा भालेराव कबाना की सीक्रेट मीटिंग में भेजा था, उसको उन्होंने मार दिया। जान से? नहीं, जमीन पोछने वाले कटके से। हाँ, ये देखो, 18 जून को गहना और लोहेश की जो शादी होने वाली थी उसे तबाह करने का प्लान था इनका। ये देखो, मरने से पहले चमन चिकना ने भेजा हुआ SMS। एक इंटरनेशनल टेररिस्ट बेंगलुरु आ रहा है नायडू गरोडिया की शादी रोकने और कोपा का गहना बरामद करने। उस टेररिस्ट का नाम है कार। ओह माय गॉड, वही, द वन एंड ओनली कार। नाम मत लो उसका, जो भी उसका नाम लेता है वो जिंदा नहीं रहता। सिताओ। सौ शैतान मरने के बाद एक बिक्सी पैदा होता है। अरे चमन ने तो सिर्फ उसका नाम टाइप किया था। पुअर मैन। ओह बेचारा। ये बिक्सी को मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। वो लॉलीपॉप से बात करते रहता है। लॉली मतलब उसकी मम्मी और पॉप शायद उसके पॉप। राइट सर, लेकिन अब हम बिक्सी को कैसे रोकेंगे? गुड क्वेश्चन। खबर है कि दिल्ली का 2 नंबरी इलेक्ट्रॉनिक डीलर कम डॉन MK यानी कि मोंटी कार्ला
बेंगलुरु आया है भिक्षी की मदद करने के लिए, इसलिए मैंने अपने खबरी किशोर खड़की को एमकी की एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए भेजा, ताकि हम भिक्षी को पकड़ सके जी। हिडन कैमरे से। अबे तुम अपना अपना व्यू चेक करवा लो, सारे दिमाग के वायर हिले हुए तुम्हारे, कहां से पकड़ ला इन नमूनों को यार। कसम से बता रहा, पहले पता होता ना मुझे कि दहेज में ये नमूने आने वाले हैं, घोड़ी को दरवाजे से वापस लौटा लेता मैं। आप उनकी बात छोड़िए, आप ये बताइए कि मेरे बर्थडे पे मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? अरे वाह, जहाँ बोल, फाइव स्टार जूरी, उसके बगल में बहुत ही अच्छा ढाबा, वहाँ पे खाएंगे दाल मखनी। अबे यहाँ कौन सा प्लग दिखाई दे रहा तुझे? नहीं सर, वही चेक कर रहा हूँ। ओके सर, सॉरी। बेडरूम में देख क्या है। मलिक आ गया, मलिक। हाँ ठीक है, अंदर भेजो सर, और तुम लोग निकलो, ठीक है? हाँ सुंदरी, आप भी थोड़ा। हाँ भैया मलिक, बैठ, बी कंफर्टेबल। आई एम सर। काम क्या है राणा? ध्यान से देख ले इसको, टपकाना, अर्जेंट। भाई को? तेरे लिए भाई, मेरे लिए है। भाई का भाई भाई तो हो जाएगा, लेकिन नाम क्या है इसका? नाम मत लेना, भूल के भी। ओह लिपस्टिक, स्ट्रॉबेरी। ये लिपस्टिक के साथ साथ है ना, एक माइक्रोचिप भी है। Really? See? Yeah. Huh? This is my detective का गैजेट। अगर मैं आपके पर्स में डाल दूँ ना, तो वायर ब्लूटूथ मेरे मोबाइल पे I can hear your conversation। सारी बातें सुनाई देती। Amazing हाँ। Amazing। अच्छा, मेरे पास ये नया वॉकी टॉकी आया है और मुझे ट्राई करना है। ओके? हाँ। आप अब छोड़ो ना, वो छोड़ो ना। आप ये लीजिए। या। और मैं ये लेता हूँ। ओके? और आप लास्ट कमरे में चले जाइए। दूर वाला। ओके। ओके, we'll check it, ओके? Right and right and right, वानी, वानी, वानी। बेड पोज़ को संभाल लूँ। ओके? जो। Be careful of the bed pose. Stop it, Joe. मेरा घर है। Direction मत दो। Fine. I'm fine. और दूर? हाँ, और दूर, और दूर, और दूर। सीढ़ी कौन रख रहा है? और दूर? या और दूर? और दूर? और दूर मामा? कितना दूर? अल्फा कॉलिंग मामा, कैन यू हियर मी? सिली बॉय, तुम्हारा नाम जो है, नॉट अल्फा। यस मिस्टर, जो भी करवा लो, मैं तुम्हें केस देना चाहता हूँ, मुझसे आके मिलो। मेरा पता है पुराना फार्म्स, 7th लेन, वाइसरॉय हिल्स। खरीदा होगा लाइसेंस साले ने। हेलो। अरे मैं इधर हूँ। ओह सॉरी, जो भी करवा लो। थैंक यू, आज नहीं, कल। अच्छा कुछ पियोगे? कुछ, वो क्या होता है? मेरा मतलब है चाय, कॉफी, ठंडा गरम। ओह चाय, चाय चलेगी। दो चाय लाना। मेरे पास तुम्हारे लिए केस है। ब्रीफ केस? नहीं, केस ब्रीफ नहीं है। अच्छा। केस काफी बड़ा है जी। एक हफ्ता पहले हम लोग चीनी कम देख रहे थे। नाइस फिल्म। विद फैमिली, नौकरों के साथ। और अगले दिन मेरी जवान बेटी नीना बावर्ची रामलाल के साथ भाग गई। हाँ, बावर्ची के साथ भाग गई। तो आपने उसका पीछा क्यों नहीं किया? मेरे घुटनों में दर्द है ना, मैं भाग नहीं सकता। सॉरी, वहां रख दो। हाँ,
ये कौन है? ये श्याम लाल है, मेरी देखभाल करता है। मेरी बेटी को, मेरी बेटी को ढूंढ कर ले। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके बिना मेरा दिल टूट गया। नहीं नहीं, आप आपके उसकी तस्वीर है, उसकी दीवार पे लगी है, बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। बाल थोड़े ज्यादा है, वैक्सिंग कराएगी तो ठीक हो जाएगी। क्यों? आई मीन थोड़ी सी इंसानों जैसी कम लगती है, लेकिन आफ्टर ऑल बच्चा तो अपना ही है, बेटी तो बेटी होती है। नीना, मैं समझा ये शी लुक्स ह्यूमन। नाइस। मैं आपकी बेटी को ना जरूर ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि दिल तोड़ने वालों को मैं छोड़ता नहीं, छोड़ता नहीं, छोड़ता नहीं, छोड़ता नहीं। मेरी बेटी जरूर मिलेगी, मुझे मेरी बेटी जरूर मिलेगी, क्योंकि आज से पहले इस घर के अंदर ऐसी आवाज कभी गूंजी नहीं। ये तुम्हारी आवाज नहीं है, ये साक्षात भगवान की आवाज है। तुम मेरे भगवान हो, तुम मेरे भगवान हो। आपको कोई आइडिया कि आपकी बेटी इस वक्त कहाँ छुपी होगी? आइडिया? हाँ, एनी आइडिया? मेरे पास पूरा पता है, इस वक्त वो होटल कैसा पैराडाइज में है। नाइस। इसमें उसका एड्रेस भी है। एक मिनट, में उसका रूम नंबर भी लिख देता हूँ। रूम नंबर भी है? थैंक्स। जब आपको ऐसा मालूम है तो आप खुद क्यों नहीं चले जाते? वो मुझे पहचानती है ना। अच्छा अच्छा। मुझे देखेगी तो मुझे देखकर भाग जाएगी। तुम जाओगे ना, तुम्हें नहीं पहचानेगी। इनफैक्ट तुम्हें कोई भी नहीं पहचानता है। ये है 20,000 रुपया एडवांस, बाकी के 30,000 काम होने के बाद। मामा, 20,000 rupees और 30,000 और मिलने वाले हैं। मामा तुम देखना, मैं इतना बड़ा डिटेक्टिव बनूंगा ना, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको पकड़ूंगा मैं, कोई भी नहीं बचेगा, देखना। यस जाओ, तेरी खुशी के आगे मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तेरा पापा भी हेवन में कितना खुश होगा। जिसका मुझे था इंतजार, आज वो घड़ी आ गई। यू बॉट मी अ वॉच। How nice! I need the watch. ये तो चाबी है। ओ ये, ये तो पापा के कबर्ड की चाबी है। हाँ। तो मैं ही खोलूँ? Yes, my son. Open it. Open it, Joe. Go. Joe, my son, मुझे पूरा यकीन है अपने पापा का कपड़ा पहनकर तुम उनके जैसा बड़ा डिटेक्टिव बनेगा, my son. I'll make you proud, पापा. मैं एक बहुत बड़ा डिटेक्टिव बनूंगा, बिल्कुल आप जैसा. शायद आप लोग मुझे ढूंढ रहे हैं। कार्लोस, आप नॉर्मली इसी रूप में घूमते हैं? मौत, पॉटी और कार्लोस, इनके कोई रूप नहीं होते। क्या बात, वेलकम टू इंडिया सर जी। नो प्रॉब्लम, चले का आर नाम बाहर है। मैं अपने ट्रैवल अरेंजमेंट्स खुद करता हूं। वेरी गुड, लेट्स गो। कम कम कम। अरे बिग सी जी, आपने खाली बस भाड़े पे क्यों लिया? क्योंकि यहाँ हम कहीं भी बैठ सकते हैं। इजी। तो फिर हम खड़े क्यों हैं? और छोड़ना यार, इन सालों के मुंह क्यों लग रहा है तू? एक काम कर, ये कार्ड रख, इसमें पटाखों की फैक्ट्री का एड्रेस है, ये गहना और लोहे की शादी के पटाखे वहीं से आएंगे भाई। प्लान, मतलब एक्चुअल प्लान क्या है भाई? प्लान? हाँ हाँ। One minute. Bob, इस लीचर कुमार पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। लॉली,
क्यों मेरे मासूम बच्चे को घड़ी घड़ी ऐसे मगरमच्छों के बीच में डालते रहते हो? Shut up, Lolly. मैंने ऐसे ही सिचुएशंस के लिए कार्लोस को तैयार किया था. It's the time to celebrate. Plan ये है कि आप लोग पहले मुझे उस फैक्ट्री में ले जाएंगे जहाँ शादी के पटाखे बनते हैं. उस फैक्ट्री में मैं रस्सी बॉम्ब के बीच ये डाल दूंगी. ये एक माइक्रो न्यूट्रोनियम बॉम्ब है. इसके फटते ही शादी में होगा एक ब्लास्ट एंड एवरीबॉडी इज गोना हैव अ ब्लास्ट. गुड प्लान. पता है इस बॉम्ब से मैंने एक बार एक पूरा आइलैंड उड़ाया था. वो बॉम्ब का ट्रिगर इस पेन से दबेगा और जब ये दबेगा बॉम्ब फटेगा. लेकिन एक बार नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50 times जब ये पेन दबेगा, उसके बाद ये बॉम्ब काबूम होगा. Get the point? ओ बिक्सी, एक बड़ी जरूरी बात कहना भूल गया भाई. If you need any the coffee maker, the lassi maker, भाई की दुकान है MG रोड पे, 24/7 discount, okay? तब तक एंजॉय फ्लावर. नियत, तेरी नियत में खोट है एमके. तू मुझे डिस्काउंट नहीं, मेरा क्लियरेंस सेल करवाना चाहता है. बट डोंट वरी, मैं तेरी हर चाल का बेसब्री से इंतजार करूंगा. आई विल बी वेटिंग. बेटा मलिक, देख बुलबुल पिंजरे में है, कासा पैराडाइज, पूल साइड, रूम नंबर 66, डाल दे दाना. अबे सर क्या हिला रहा है, मुंह से बोल. हाँ हाँ, कासा पैराडाइज, पूल साइड रूम. इसका मतलब ये है बिग सी हैज लैंडेड. लेट्स गो सर, इतने बड़े इंटरनेशनल क्रिमिनल को पकड़ने का बेस्ट चांस है. मुरुगन मैडम, हॉलिडे रिजॉर्ट है, हम सबको एक जैसे डिस्गाइज में जाना होगा ताकि बिग सी को हम पर शक ना हो. आई एम थिंकिंग कुछ बीच वेयर टाइप्स. गुड आफ्टरनून मैम. मुरुगन मैडम, बाकी फोर्स आ गई है. हाँ मैडम, सब जगह से सराउंड किया है. ठीक है, तुम लोग जल्दी चेंज कर लो. हाँ मैडम. मुरुगन, ये सब क्या है? मैडम आप ही ने बताया था ना सभी लोगों को एक ही ड्रेस पहनने के लिए. एक ही ड्रेस मतलब मेरे जैसे नहीं ना. हाँ? अभी चलो बाहर पे चलते हैं. महंगा रिसॉर्ट और सबसे बड़ा विला बावर्ची का. वाह, किसी ने सही कहा है, फूड बिजनेस इज गुड बिजनेस. मेरा जाल तैयार है बॉब. खुश तो बहुत होगी तुम. अरे घंटा खुश, 2 घंटे के काम के 20 घंटे लगा दिए. जब देखो क्रिटिसाइज करते रहते हो, आपका नाम तो क्रिटिक रोशन होना चाहिए था. इन 99 या 66? शट अप लॉली. शट अप पॉप. 66. शट अप लॉली. यू शट अप पॉप. लॉली पॉप. लॉली पॉप. मीना, रामलाल, ये सब्जी काटता है, गला काटता है. It's working. ज्यादा खुश मत हो,
चल तो रहा है वो। ओहो, बैंक रॉबरी का सामान। खुराना, तेरी बेटी तो हाथ से गई। पेन, एविडेंस। यस, मिनी बॉम्ब। ये तो लॉलीपॉप है। से खींच। I'm pulling. मैंने कब कहा तू स्ट्रीलिंग है? Oh God, तुम्हारी घटिया जोक्स। Please shut up both you. Make you shut up. नीना और रामलाल। Hello. कोई है? बाउ। रामलाल के गुंडे? निकल यहाँ से। Once more. अंदर कोई मूवमेंट नजर आ रही है? नो मैडम, लगता है सो रहा है। मैडम के जूस पर अटैक, फायर। प्रॉब्लम इन द होटल, मेरे ख्याल से मैं चेक आउट करना चाहिए अभी। मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? मैं क्यों हूँ? मैं हूँ भी या नहीं हूँ? कुछ याद नहीं आ रहा। नहीं, he's dying, he's dead. Room service. Thank you. कितने खुश थे हम सब DDLG देखने के बाद। पापा सिर्फ कबूतरों को ही खिलाते रहते थे। नानी को सनबेडिंग बहुत पसंद थी। मामा वो तो 24 घंटे फोन पे लगे रहती थी। It was so wonderful. So cute. Look at that. Yeah. यार भी कितनी क्यूट लग रही हो तुम। सिली, ये मैं नहीं तुम हो। याद है तुमने मेरी फ्रॉक पहनी थी और तुम्हें इतना अच्छा लगा कि तुम मेरे सारे फ्रॉक्स पहनने शुरू कर दिए। और फिर तुम्हें लिपस्टिक लगाना था। सैटरडे को पिंक लिपस्टिक, संडे को रेड लिपस्टिक। कुछ और बातें करते हैं ना, कुछ और बातें करते हैं। ठीक है। तो मिस्टर जो, या हमारी शादी कहाँ होगी? शादी ताज बॉलरूम। जैसी आपकी इच्छा बादशाह जो। yes. हम भी अपने पूज्य पिताजी से बात करेंगे। yeah. कहेंगे सिर्फ ताज का बॉलरूम। yeah. 500 रूम्स, हजारों मेहमान। yes. खूब सारा नाच। yes, yes. और फिर हमारा हनीमून। yeah. ये शादी सबको याद रहेगी। तुम्हें कुछ छुए मुझे बर्दाश्त नहीं। oh, जो। No, shit! Okay, calm down. मेरे सचिन तेंदुलकर। तुम्हें कोई काटे मुझे बर्दाश्त नहीं। Ah!
हमारे बीच में आए, मुझे बर्दाश्त नहीं। जो तुम्हें कोई डराए, मुझे बर्दाश्त नहीं। जो नहीं पापा, मम्मी, नानी, जादू। जादू नहीं, मेरा भाई बिट्टू। तुमने किसी को नहीं छोड़ा जो, तुम इंसान नहीं दरिंदे हो, खूनी हो। तुमने लिटरली मुझे अनाथ कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती हूँ जो। बट चले जाओ यहाँ से। अरे इतनी सी बात के लिए रिश्ता तोड़ दोगी? बेपरवाह और नाकामयाब ही सही, आज तो तुम्हारा असली रंग सामने आ गया मिस्टर जो भी करवा लो। You're nothing but an international killer. तुम ही हो बिग सी। मैडम, वो शूटर मलिक है ना, हमारे फायरिंग का शिकार हो गया। गुड। और वो बिग सी? वो तो आपके हाथ से निकल गया। मास्क। मामा, कैन यू बिलीव इट? हाँ, यंग लड़की है, अपने बाप से छुपने के लिए मास्क पहन के घूमती है। हाउ बैड इज दैट यार? एक बूढ़े बावर्ची के साथ भाग गए, पता है? Really bad. Disgraceful. Yeah. What is this? Locket. Joe, please. Can I keep this, please? Mama, it's too flashy for you. It's too flashy. You can't wear this. Don't do this. Hey, dynamite clock. आप ये alarm clock रखिए ना, है ना? You can get up in the morning for run and all that. Yeah, I'll keep it in the showcase. मैं रख के आती हूँ, हाँ? Nice. पहन में तो वॉच इतना खराब है, खराब है। वीरानी फायरवर्क्स, पटाखों की फैक्ट्री। मामा, ये पटाखों की जरूरत कब पड़ती है? आई मीन यू नो, बर्थडे या इंडिया जीतता है तब, दिवाली और शादी। शादी में भी तो पटाखे फोड़ते हैं। ये शादी याद दिलाना जरूरी है? शादी? ऑफ कोर्स। ये लोग शायद भाग के शादी तो नहीं कर रहे। आज बेंगलुरु के होटल कैसा पैराडाइज के शूटआउट में जाना माना गैंगस्टर बबलू मलिक मारा गया है। खबर मिली है कि इस होटल में रहने वाला एक और इंटरनेशनल खूनी भी फरार है। उसका नाम है कार्लोस। अरे बेचारे, ये भी? देखो बेटा, पिक्सी अभी जाएगा वीरानी की फैक्ट्री में, पटाखों के बीच में अपना बम रखेगा ताकि शादी में फट जाए और सब कुछ तबाह हो जाए। इससे पहले उसका बम फटे, हमें उसे तबाह कर देना, समझे? और इस बार जाना, अच्छी खबर लाना, वरना लौट के मत आना। सोचो, वीरानी की फायरवर्क्स फैक्ट्री, माइक्रोन्यूट्रॉन बॉम्ब, दिस इज द गोल्डन चांस बीसी को पकड़ने का। सर, मैं ये केस नहीं ले सकती। अरे क्या कह रही हो शांति? मैं कह रही हूँ सर कि मैं ये केस नहीं ले सकती। क्यों? तुमने उस शैतान को देखा है? तुम ही हो जो उस शैतान को पकड़ सकती हो, और तुम्हारे जैसे अफसरों की बहादुर अफसरों की जरूरत है इस देश को। शांति सर, ये टॉर्चर है। टॉर्चर? ये टॉर्चर नहीं है, ये टॉर्चर है, ये टॉर्चर है। राइट सर, इस टॉर्चर के सामने वो तो कुछ भी नहीं है। मैं उस मुजरिम को पकड़ूंगी रंगे हाथ। नाइस आंसर माय बॉय। हेलो, विडानी स्पीकिंग। हाँ हेलो, मैं लोहेश का फादर कमलेश गरोडिया बोल रहा हूँ। ओह हेलो सर, हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम गुड। मेरा आदमी शादी का कार्ड लेकर आपके पास आ रहा है। अरे साईं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मेंशन नॉट, पर एक बात वीरानी साहब, मुझे सबसे बढ़िया पटाखे चाहिए। चालू माल बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरे आदमी को सारा अरेंजमेंट समझा दीजिएगा। अरे यू डोंट वरी, वी आर गोइंग टू हैव अ ब्लास्ट। अरे ये थ्री पीस कौन है यार? अरे मुंह में क्या है? लॉलीपॉप, बिग सी,
जीजा जी हेलो। बे बोलो बे। जीजा जी वो आ गया, उसके मुंह में लॉलीपॉप भी है, बहुत डेंजर मूड में है। ऑलरेडी एक को टपका चुका है वो। ओ महका जाए। अबे वो उतना डेंजर है नहीं जितना दिखाता है। अच्छा उस पे ध्यान रखो पूरा, समझे? अरे चल चल, फॉलो मी फॉलो हिम। एक दो एक दो एक दो एक दो। वीरानी फायर वर्क्स, फायर वर्क्स। आई लव दिवाली। मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? पटाखा क्या? अरे बाबा तेरे को पटाखा देखना है ना? हाँ लगता है ये मुझे नीना और वो बुढ़ऊ रामलाल का आदमी समझता। अरे बाबा इधर आ जा। चल देना। What do you mean देना? अरे बाबा शादी का कारण। चल दिखाता हूँ। क्या दिखाता हूँ? अरे बाबा हमारा बात तो समझो जरा, हम तुमको पटाखा दिखाता है। हाँ चलिए चलिए। ये जो है ना ये नाना बम है, ये कब फटता है कैसे फटता है कोई नहीं बता सकता। पटाखे 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 पटाखे। ये तो खुलता भी है, छुओ मत। फाइन फाइन। अगर तुमने उसे बॉम्ब्स को छूते हुए देखा इसका मतलब ये है कि वो अपना न्यूट्रॉन बॉम्ब उनमें कहीं छुपाने वाला है। जस्ट शूट हिम इमीडिएटली। किल हिम। ये सब जो है पटाखे ये कब और कहां पहुंचाने हैं? लो कर लो बात। अरे बाबा हम बिजनेसमैन हैं, हमको मालूम है 18 जून को। 18 जून ताज बॉलरूम। ताज बॉलरूम। जैसी आपकी इच्छा बादशाह जो। यस। हम भी अपने पूज्य पिताजी से बात करेंगे। या। कहेंगे सिर्फ ताज का बॉलरूम। या। 500 रूम्स, हजारों मेहमान। यस। खूब सारा नाच। यस यस। और फिर हमारा हनीमून। 500 रूम्स, हजारों लोग। तुम ये हमारा बिल उधर दे देना, सिर्फ 5 करोड़ का छोटा सा बिल है। अरे बाबा तुम रोता क्यों है? अरे तुम बोलेगा तो हम तेरे को डिस्काउंट कर देंगे। मैं डिस्काउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या हुआ है? आपको पता है? आपको कैसे पता होगा? मेरी एक गर्लफ्रेंड थी शांति प्रिया, तो बहुत प्यार करता था मैं उससे। इनफैक्ट अभी बहुत प्यार करता हूँ। आप हाथ हटाइए ना, हमारी शादी होने वाली थी, वही ताज बॉल, हजारों लोग, ढेर सारा नाच गाना, बहुत सपने देखे थे। पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे घर से धक्का मार के निकालने के बाद पता नहीं कहाँ चली थी। कितना ढूंढा मैंने, हमने तो फैमिली प्लानिंग भी कर ली थी, 2 बच्चे, माधुरी दीक्षित करवा लो और सचिन तेंदुलकर करवा लो। हाय नी, कितनी अच्छी इमोशनल लव स्टोरी है। अरे बाबा सपने रात को देखने के सुबह भूल जाने के। हाँ वो मुझे अब तक नहीं भूला। और जो यस मैडम। बड़ी तुम फिकर मत करो, सुनो एक जोरदार सूटा लगाओ फिर देखो मजा आ जाएगा। अरे बाबा लगाओ। आपको पता है सिगरेट पीना कितना डेंजरस होता है? हैं? आपको भी छोड़ देना चाहिए। टची फीली ओल्ड मैन। अरे बाबा तुम बोलता है तो छोड़ देगा। ये हाथ थोड़ा सा। ओके 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 थैंक यू। जाता है बेबी। बड़ा ही सॉफ्ट हैंड है तुम्हारा। जी जी। हाथ वापस देंगे? पेडिक्योर बड़ा अच्छा। बाय बाय। हाय डॉक्टर सुठोए। सुबह से कुछ नहीं खाया ना? नहीं। ये लो भिखारी बाबा, मालिक वड़ा पोंगल खा लेना, ठीक है? So sad. Thank you.
एक शॉट दूध देना, फुल क्रीम। अभी मुझे मैडम इतना ड्रिंक्स मिक्स मत कीजिएगा, हैंगओवर हो जाएगा। जो भी करवा लो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यही जगह मिली थी मिलने को? यहाँ पे लोगों का ध्यान सिर्फ नीचे की तरफ होता है। सुसु 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 सुसु। पार्टी को शक हो गया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने दोबारा भागने का प्लान बनाया है। यही नहीं, उन्होंने गनमैन भी रखे हैं जो चारों ओर फैले हुए हैं। उनकी सैलरी कौन दे रहा है? सैलरी 5 करोड़ के तो पटाखे मंगाए शादी के लिए। ताज में 500 रूम भी बुक है। 500 रूम? 5 करोड़ के पटाखे? यही होता है नो लिमिट क्रेडिट कार्ड देने का नतीजा। अरे ये शादी को रोको, नहीं तो मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा। रोको रोको, रिलैक्स रिलैक्स। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ब्रिगेड रोड पर एक नाइट क्लब है, वो अक्सर अपनी सहेली गहनों को मिलने वहीं जाती है, वहीं ट्राई करो। क्या दिमाग पढ़ते हैं आप, कमाल है। नाइट क्लब का नाम क्या है? गाना गाना बंद करो और नाम बताओ। लाला लाजपत राय। ला बम्बा। दीवारों के भी कान होते हैं, क्या चली बाहर निकलते हैं। ला बम्बा। वो आ गया ना? वो आ गया? बिगसी। कैसे मारे गए इसे? आरपीएक्स जहर। साइनाइड विद लौकी का जूस। लौकी का जूस? कड़वा नहीं होगा? फॉर फ्लेवर। फ्लेवर? मेरी नानी की रेसिपी है। गुड। जो कभी फेल नहीं होती। वेरी गुड। लगता है मैंने आपको पहले कहीं देखा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मैंने अपने आप को पहले कहीं देखा है। उसको ये सब नहीं पसंद तो वो सोने चला गया है। आपके लिए ये चंपाग ने भेजी है। ये आजकल की लड़कियां, जहां एक चिकना लौंडा देखा अकेला खड़ा हुआ, लाइन मारना शुरू कर देती। किसने भेजा? वो मूछ वाली लड़की। एंजॉय। चीयर्स।